महाराज उग्रसेन आहू के पुत्र थे और महाराज आहू के दो पुत्र थे उग्रसेन और देवक। याद रखना उग्रसेन जो थे ये मथुरा के राजा हुए हैं और बड़े ही अच्छे राजा हैं। कैसे हैं राजा सुने? राजा थे उग्रसेन। इनकी रानी जो है पवर रेखा वो बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है। उनका एक नियम था पवर रेखा का कि वो सवेरे सवेरे उठ करके अपने पति के दर्शन किया करती थी, अपने पति के पैरों को छुआ करती थी। है और आजकल की माता बहने आप सवेरे उठ के पति के पैर छुओ करते है? ना ही छुते। देखो हमारे भैया लोग मने कर रहे। अब हम बताएं भैया, जिस सवेरे सवेरे उठ के माता बहने जब पति के पैर ना ही छुओ करते, आज जिस सवेरे उठती सबसे पहले इनको हाथ कहाँ जाता, बस शीशा को उठाती और बस शीशा को उठाएगी तब देखती देखे क्यों दीदी यार किलोमीटर खड़े दूर तो ना हट गई। हाय भगवान। हे माता बहनों, पति परमेश्वर है, सवेरे उठ करके पति के पैरों को छुआ करो, सवेरे उठ करके पति के दर्शन किया करो, हैं? पति की सेवा, सास ससुर की सेवा बड़ी ही उत्तम बताई गई है। मैं एक बात कहूंगी क्या, पति ही जब है अब पति ही तब है, पति ही है करता रे और पति से माता बहनों, सवेरे उठ करके पति के पैरों को छुआ करो, पति के दर्शन किया करो।
देख लीजिए सीता जी को, राम जब वन के लिए गए तो सीता जी अपने पति की सेवा करने के लिए वो वन में गई, साथ ही गई। देख लीजिए अनसुईया को, अनसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म से तीनों देवताओं को बालक बना लिया था। है पति की सेवा किया करो माताओं बहनों, सास ससुर की सेवा किया करो। महारानी पवन रेखा का ये नियम है कि वो सवेरे उठ करके अपने पति के पैरों को छुआ करती हैं, अपने पति के दर्शन किया करती हैं। लेकिन श्रोताओं, उनकी एक किस्मत खराब थी कि उनकी किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। एक बात और मैं बता दूं कि अति गुणी सो निर्धनी और अति सुंदर सुवास, जो विद्वान होता है उसके पास में अधिक धन दौलत नहीं होती है, और जो स्त्री सुंदर होती है वो बांच होती है। लेकिन श्रोताओं, विद्वानों ने कभी शिकायत नहीं की कि महारानी पवन रेखा बांच है। एक दिन पवन रेखा आंगन में बैठी बैठी विचार कर रही है, हे परमपिता परमात्मा, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया जिसके कारण मेरे उदर से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। बैठी बैठी विचार कर रही है, लेकिन तब तक हुआ क्या, महाराज उग्रसेन पवन रेखा के पास में आए और उग्रसेन कहने लगे, अरे रानी आज तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? तो समझा करके पवन रेखा बोली, महाराज इतना समय बीत गया, अभी तक मेरे उधर से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया, और हे महाराज चाहे कितना भी लंबा चौड़ा परिवार हो, चाहे घर में कितनी भी धन दौलत भरी हो, लेकिन अगर एक संतान नहीं तो वो सब कुछ बेकार है। और क्या बोली है समझा कर, महाराज समझाने लगी, कहने लगी, हे स्वामी एक पुत्र के बिना ये जीवन अधूरा है, अधूरा है। उग्रसेन समझाने लगे, कहने लगे, अरे पवन रेखा तुम क्यों परेशान हो रही हो? अगर उस परमपिता परमात्मा को कुछ मंजूर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, परेशान क्यों हो रही हो? पवन रेखा कहने लगी, महाराज मुझे इस घर में अकेले रहता रहता अच्छा नहीं लगता, मेरा जी नहीं लगता। हे स्वामी आज मैं तुम्हारी आज्ञा पाऊं तो मैं किसी जंगल के शहर करके आऊं। हे स्वामी मुझे आज्ञा दो,
मुझे बन के लिए भेज दो। वो क्या बोली है समझा कर पवन रेखा, ओ पिया मेरे, ओ पिया मेरे, मोई बनके भी वन में भेज दो, मुझे आज्ञा दो, मैं वन में जाऊंगी, किसी ऋषि मुनियों के दर्शन करके आऊंगी महाराज। इतनी जो बात कही, उग्रसेन कहने लगे, अरे रानी ये भी कोई बात पूछने की है। ठीक है, तुम ऐसा करो, जल्दी से रथ तैयार करो और जाओ जंगल की सहर करके आओ। महारानी ने जल्दी से रथ तैयार करवाया, अपनी सहेलियों को साथ में लिया और जंगल की सहर करने के लिए चली। जब वन में जाकर के पहुंची, रथ से नीचे कूद पड़ी, घूम घूम करके उस जंगल की सुंदरता देख रही है। क्या देख रही है कि नाना तरीके के पुष्प खिल रहे हैं, भमरा गुंजार कर रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं, हवा मंद मंद चल रही है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। महारानी उस मौसम में बड़ी मुग्ध हो गई। लेकिन हुआ क्या, अचानक उसी समय उस वन में आंधी तूफान आ गया, और जो आंधी तूफान आया तो महारानी का साथ उन सहेलियों से बिछुड़ गया। महारानी घोर जंगल में पहुंची, साथ की जो सहेलियां थी वो बिछुड़ गई। जब घोर जंगल में पहुंची तो महारानी अकेली रह गई, चीख चीख करके रोने लगी, कहने लगी, मुझे बचाओ, मुझे शेर खाए जा रहा है, मुझे भालू खाए जा रहा है, मुझे बचाओ। रोदन को सुन करके और तो कोई नहीं आया, एक दुर्मलिप नाम का राक्षस चला आया। याद रखना श्रोताओं, जो ये दुर्मिक नाम का राक्षस था, ये मायावी था, मायावी। और इसने जब रानी की सुंदरता देखी तो सोचने लगा, अरे भाई ये तो रानी बहुत सुंदर है, अब मैं इसके पतिव्रत धर्म को नष्ट कैसे करूं, अगर मैं इसी वेश में जाता हूं तो ये मुझे श्राप देकर के भस्म कर देगी। एकदम से उग्रसेन का रूप बनाया और वो राक्षस रानी के पास में पहुंचा और कहने लगा, हे रानी क्यों रो रही हो, अरे देखिए मैं आ गया तुम्हारी रक्षा करने वाला। क्या बोला वो राक्षस, we'll be right back।
महारानी नहीं समझ पाई और क्या बोली, महाराज आप मेरे पीछे आप क्यों चले आए? राक्षस कहने लगा, रानी तुम चली आई तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चले आए हैं। हाँ, राक्षस कहने लगा, रानी आ जाओ, देखिए ये मौसम कितना अच्छा है, मैं चंपा और गुलाब से वासी बच करके आया हूँ, इस मौसम का बाहर लूटते हैं। महारानी कहने लगी, हे महाराज आप क्या कह रहे हैं, दिन में मनुष्य का चोला विषय नहीं करता है, क्या कह रहे हैं? वो राक्षस कहने लगा, अरे तुम तो बड़ी पतिव्रता स्त्री बनती हो हैं? वो हमसे मना कर रही हो, लेकिन नहीं समझ पाई पवन रेखा कि ये मेरे पति हैं या ये राक्षस है। जैसे उस राक्षस ने महारानी के साथ में विषय किया, आहा, जो महारानी को पता चला कि ये तो राक्षस है, ये मेरे पति नहीं है, आज चिल्ला चिल्ला करके महारानी चीखने लगी, कहने लगी, हे दुष्ट, अगर तूने मेरे पति व्रत धर्म को नष्ट ना कर दिया होता तो हे हरामी, आज मैं अपनी शक्ति के द्वारा तुझे धूल में मिला देते, तुझे भस्म कर देते। क्या बोली है पवन रेखा उस राक्षस से? मिला देती तुझे चिंता नहीं छोड़ती। वो राक्षस कहने लगा, अरे रानी तुम मुझे गाली क्यों दे रही हो, मैंने तुम्हारे ऊपर उपकार कर दिया, मैंने देखा कि तुम्हारी गोदी खाली है, आज मैंने तुम्हारी गोदी भर दी। हे रानी, तुम्हारी उदर से एक ऐसा पुत्र जब जन्म लेगा उसे संसार में कोई नहीं जीत सकता है। राजाओं की तो बात छोड़ो, उससे देवताओं का राजा इंद्र भी हार करके चला जाएगा। इतना बलवान पुत्र तुम्हारी उदर से जन्म लेगा। जो श्रोताओं इतनी बात उस राक्षस ने कही, अब वो राक्षस तो इतनी बात कह करके चला गया। तब तक वो ही सहेलियां आ गई। कौन सी सहेलियां? जो उस आंधी तूफान में महारानी से साथ बिछुड़ गया था। जैसे उन सहेलियों ने रानी के सिंगार को उजड़ा हुआ देखा, कहने लगी, अरे बहन ये तुम्हारी क्या दशा हो गई, तुम्हारी
हमारे सिंगार को किसने उतार दिया? आखिर बात क्या है? एकदम से बात को बदल करके महारानी कहने लगी, क्या बताऊं बहन, उस आंधी तूफान में हम तो तुमसे बिछुड़ गई। इतना बड़ा बंदर आया, उसने मेरे सारे सिंगार को उजाड़ दिया। अब ऐसा करो बहन, ऐसा करो, जल्दी महलों के लिए चलो। वो क्या बोली है पवन रेखा अपनी सहेलियों से? बातचीत करती हुई और अपने महलों में आई। धीरे 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 जब समय व्यतीत हुआ, इधर जब महारानी पवन रेखा के 9 मास पूरे हुए, तो उनकी उधर से उस कंस ने जन्म लिया। आहा, जब उस कंस ने जन्म लिया, इतने बुरे बुरे रसगुण होने लगे, बहुत बुरे बुरे। एक बात याद रखना श्रोताओं, जब घर में सपूत पैदा होते हैं तो सगुन होते हैं, वो जब घर में कपूत पैदा होते हैं तो असगुन होते हैं। जब उस कंस ने जन्म लिया, आकाश में काले काले बादल होने लगे, इतनी तेजी से बारिश होने लगी, इतनी तेजी से हवा चलने लगी कि मानो वृक्षों को उखाड़े लिए जा रही हो। तालाबों में उबाल आ गया,